किसान वीरो, आज हम महिंद्रा का जो अर्जुन नोवो ट्रैक्टर है, इसका 605 मॉडल है, इसके बारे में आपको आज फीचर एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि फार्मर्स का जो फीडबैक है, उनका क्या रिव्यू है, उनका क्या मानना है इस ट्रैक्टर के बारे में, तो वो फार्मर्स भी हमारे साथ हैं। तो चलो किसान वीरो शुरू करते हैं। और जो दोस्त अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी भी जरूर दबाएं। उसके इंजन की बात करें तो इसमें 4 सिलेंडर ये इंजन है और 3531 सीसी का इसका इंजन है। और तो देख सकते हैं इसकी लुक, देख सकते हैं आप, जो पुराने ट्रैक्टरों में कलर आता था तो रेड कलर को प्राथमिकता में रखा है यहाँ पर कंपनी ने। डीजी सेंस के साथ ये आता है। डीजी सेंस जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये एक नई टेक्नोलॉजी है, जिसमें ट्रैक्टर के बारे में पूरी रिपोर्ट हमें ऑनलाइन मिलती है कि ट्रैक्टर कहाँ पे है और उसकी क्या 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 स्थिति है, वो सारी जानकारी मिलती है। तो किसान वीरो हमारे साथ मनदीप जी हैं, जो कि अर्जुन नोवो 605 ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं अपने एमबी प्लॉ के ऊपर। उनसे जानते हैं कि उसका एमबी प्लॉ में उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने ये ट्रैक्टर क्यों खरीदा है, पूरी जानकारी उन्हीं से लेते हैं। ये ना एक्चुअली मुझे 2 साल हो गए इस ट्रैक्टर को लिए हुए। जी जी। और प्लॉ भी मैंने जब ट्रैक्टर लिया था उसके हार्डली 2 या 3 महीने बाद मैंने प्लॉ ले लिया था ये। जी जी जी। तो एक थोड़ा सा मुझे बाद में जैसे कहते हैं कि पछतावा हुआ है कि मैंने ले लिया ये 2 टेन वाला। जी जी। इस पे 3 टेन वाला प्लो आराम से आप यूज कर सकते हो जी, जो इसकी 3 MB प्लो कहते हैं। जी 3 MB प्लो। जी जी। ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस के हिसाब से। जी जी। जैसे 57 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है और लिफ्ट इसकी अच्छी है। जी उसके हिसाब से मैं इसको, मेरे जो गाँव में एक ट्रैक्टर हो रहा है इसी के साथ का, वो 3 MB प्लो यूज कर रहा है इस पे। जी जी। तो इसका यूज कैसे करते हैं खेत में, क्या फायदा होता है? तो मेनली पर्पस ये है कि जो आगे आने वाले टाइम में धान के बाद जो उसकी पराली होती है वेस्टेज, जी जी, वो अब आग लगाना देखो बंद कर दिया। जी जी जी। तो इसको यूज करके जो उसकी पराल है वो हम नीचे दबा के ऊपर मिट्टी आ जाती है इसकी। जी जी। जो नीचे वाली मिट्टी है। जी जी। एक तो उसका बेनिफिट ये है, आग लगाने से बच गई। बिल्कुल। ऊपर से जो नीचे वाली जो मिट्टी है वो उसके ऊपर आ गई। जी जी। अपना खेत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें हमारी जो जमीन है जी आलू लगाने वाली। जी जी। तो आलू लगाने में अगर हम उस पराली को ना आग लगाएं तो आलू लगाने में दिक्कत होती है। बिल्कुल। इसके साथ क्या है, वो हम पलटी मार गए, वो पराल नीचे चला गया, हम खेत नई मिट्टी आपकी आ जाती है, खेत आग लगाने की समस्या से आपका छुटकारा हो गया इसकी वजह से। और एक और है, अगली बार जब हम इसको दोबारा यूज करेंगे, जो पराल नीचे गया है उसकी जो बनेगा, जी जी, वो खाद तैयार होगा, खाद तैयार होगा जो उसका, वो हमारे खेत को नेक्स्ट टाइम वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर वाली हमने यूज कर ली मिट्टी वो नीचे चली जाएगी। ठीक है। तो आपका कुल मिलाकर रिव्यू क्या है सर, आप इसको 5 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, नोवो को और इसको प्लॉ को? 5 में से 5 ही दूंगा। दोस्तों अपने साथ कुछ किसान हैं जिनका ये ट्रैक्टर है और जो इसको काफी लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं, 3 किसान हैं हमारे साथ, तो उनसे हम जानते हैं कि इसके बारे में उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और उनको कौन कौन से फीचर इनके अच्छे लगे हैं और क्या क्या कमियां लगी हैं। तो सर जी अच्छी है काल। सत्या जी। ट्रैक्टर बहुत वधिया, एक तो इसका डैशबोर्ड जरा बहुत खुला वा, चलाने च बहुत आसानी, साइड गेयर आ, डिस्क ब्रेक आ, तेल च ब्रेकां डुबिया होने करके बहुत आसानी ना लगती, कोई दिक्कत नहीं आती। क्लच प्लेज वड्डी होने का करके कभी क्लच की कोई दिक्कत नहीं आती। असं इस तकरीबन 2014 मैं लिया जी, तो 2019 5 साल तो इस यूज कर रहे हैं, तो बहुत वधिया चल रहा, मल्चर से भी चलाया जी, जी कोई दिक्कत नहीं आई, कद दे विच ओन दे विच उच्चा ट्रैक्टर होने के उत्ते ड्राइवर तो कोई बहुता कचरा नहीं आता है। तो तीसरा ये है जी, रोट अपने रोटावेटर तो बहुत वधिया, क्योंकि 3 स्पीडा होने के करके, लो मीडियम हाई होने का करके बहुत आसानी नाल जिहड़ी मर्जी स्पीड च तुसीं इहनूं चला सकदे हो। तीसरा जनरेटर दे अहीं यूज करते हैं जी। जी जी। जनरेटर दे तकरीबन जी 1100-1150 चक्कर दे अपने पीडीओ दे चक्कर पूरे कर जाता, जिहदे नाल पौने के 3 लीटर दे विच 12-12.5 की मोटर जो कि अपने 70 फुट ते डिलीवरी चलती है, तो बड़ी आसानी नाल चलाउंदा। खेत विच भी जिस तरह प्लाओ आने, प्लाओ 40-45 मिनट दे विच एक खेत वाह के तो बाहर निकल जाता 5-5.5 लीटर तेल दे विच। फिर जी कंपनी जिहड़ी गल क्लेम करती है भी साडा ट्रैक्टर तेल घट खाउंदा ते इहदी पीटीओ दी जिहड़ी ਪੀਟੀਓ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੂਜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਲਿਫਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ,
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀ ਭਰੀ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੀਸਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ PTO ਆ ਅਸੀਂ ਮਲਚਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਮਲਚਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। PTO ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 60 ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 50 horsepower ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ 60 horsepower ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਇਸ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 605 RGN ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ 4-5 ਸਾਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 60 ਵੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਮੈਂ 963 ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟਰਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਸੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ। ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਯੇ ਥਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾ ਨੋਵੋ ਟਰੈਕਟਰ, ਆਪਨੇ ਕਿਸਾਨੋ ਕਾ ਰਿਵਿਊ ਤੋ ਜਾਨ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਗਾ, ਅਬ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਆਪ ਹਮੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰੇਂ ਔਰ ਗਰੁੱਪਸ ਮੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਂ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਮੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।